वेलकम बैक गाइस टू माय यूट्यूब चैनल शिवानी फ्री ऑनलाइन टीचिंग। आज हम डिस्कस करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी का, यानी कि CDP जो 90 मार्क्स की आती है सेटेट के एग्ज़ाम में। पेपर वन एंड पेपर टू दोनों में ही चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी 90 मार्क्स की आती है। तो आज से हम उसको स्टार्ट करेंगे। ये हमारी पहली क्लास होगी जिसमें हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ग्रोथ होती क्या है। जब आपकी हाइट बढ़ती है तो आप कहते हो कि आपकी हाइट बढ़ रही है, यानी कि आप में ग्रोथ हो रही है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ या आप ये कहें कि आपकी हाइट बढ़ रही है और आप में डेवलपमेंट हो रही है, तो नहीं कह सकते हो। बट डेवलपमेंट जब होती है तो वो पूरे प्रस्पेक्टिव पे होती है, यानी कि एक चीज में ही डेवलपमेंट नहीं होती। विकास सभी चीज़ों को मिलाकर होता है। विकास एक मतलब कह सकते हैं कि ग्रोथ इज अ ओनली छोटा सा पार्ट है डेवलपमेंट का। डेवलपमेंट में ही ग्रोथ आती है। जैसे ग्रोथ आपकी हाइट बढ़ रही है, आप में फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं या आप चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ग्रोथ हो रही है तो वो आपको दिख जाएगी। लेकिन डेवलपमेंट जो है वो ओल्ड लेवल पे होती है, तो वो दिखती तो है ही, लेकिन वो मेंटल कैपेबिलिटी, इमोशनल डेवलपमेंट होती है, फिजिकल डेवलपमेंट होती है, मेंटल डेवलपमेंट होती है। ये सारे टाइप की जो डेवलपमेंट यानी कि विकास होता है वो उन चीजों को अफेक्ट करता है। तो अब सबसे पहले ग्रोथ। ग्रोथ होता क्या है? ग्रोथ एक फिजिकल, मतलब आपकी फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं, आपकी जैसे बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, साइज में चेंजेस हो रहे हैं, ऑर्गन्स चेंजेस हो रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है? ये बिकॉज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेल्स, आपकी जो कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, या उनके बढ़ने से हो रहा है। तो ये क्वांटिटेटिव चेंजेस दिखाता है। आपकी बॉडी में कोई क्वांटिटेटिव चेंजेस हो रहा है तो यानी कि आपकी ग्रोथ अच्छे से वर्क कर रही है, आपकी ग्रोथ हो रही है। मतलब बच्चे की ग्रोथ कब होती है? जब वो अच्छे से डेवलप, मतलब उसकी जो प्रोसेस है, उसकी हाइट अच्छे से बढ़ रही होती है, उसकी फिजिकल चेंजेस अच्छे से हो रहे होते हैं, तो वो होती है ग्रोथ। नेक्स्ट है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट विकास ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आप फंक्शनल और जैसे फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन भी होती है, मेंटल कैपेबिलिटी तो मैंने बता ही दिया था, और अगर हम देखा जाए तो सोशल चेंजेस अगर आपके अंदर हो रहे हैं, इमोशनल चेंजेस आपके अंदर हो रहे हैं, तो वो क्वालिटेटिव फेज चला है। क्वांटिटेटिव जो मेजरेबल होता है, क्वालिटेटिव जो मेजरेबल गुणात्मक जो होता है वो मेजरेबल नहीं होता। मतलब मेजरेबल को तो हमने ग्रोथ में पहले से ही काउंट कर दिया है, तो डेवलपमेंट में आप क्वालिटेटिव एस्पेक्ट रख सकते हो। डेवलपमेंट अगर हम बात करें तो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, क्योंकि कहीं ना देखा जाए तो देखो ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव होता है, वहीं डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों होता है। जब कोई बच्चा बढ़ता है तो उसमें इमोशनल चेंजेस दिखाई देते हैं, उसके स्पेसिफिक जो लैंग्वेज वो बोलता है वो चेंज होती है, वो भी दिखाई देती है। लेकिन क्वांटिटेटिव में उसका वेट गेन हो रहा है, उसकी बॉडी के स्ट्रक्चर चेंज हो रहे हैं, तो वो दोनों डेवलपमेंट में आ जाते हैं। मैच्योरिटी एक ऐसी स्टेट आ जाती है, मैच्योरिटी भी, मैच्योरेशन भी होता है जब एक जो इनर एटीट्यूड होता है वो जेनेटिकली सेल्फ डिटरमाइंड हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा सेफलोदुकल डायरेक्शन। क्या है सेफलोदुकल डायरेक्शन? आपकी जो डेवलपमेंट होती है अगर वो सेफलोदुकल डायरेक्शन में चल रही है तो यानी कि वो हेड टू टो जाएगी। जब आपकी डेवलपमेंट ऊपर से नीचे जाती है तो वो सेफलोदुकल बोला जाता है। इसका मतलब यह है कि आपके स्ट्रक्चर में कोई इंप्रूवमेंट हो रही है, फंक्शन कम फर्स्ट इन हेड रीजन, पहले हेड में आती है, फिर उसके बाद ट्रंक में, और लास्ट में लेग रीजन में प्रोसेस करती हुई चली जाती है। नेक्स्ट है प्रोक्सीमोडिस्टल। प्रोक्सीमोडिस्टल जो है वो सेंटर से स्टार्ट होके पेरिफ्री डायरेक्शन में जाती है, यानी कि आपकी जो बॉडी है सेंटर से प्रोक्सीमिटी बाहर की तरफ जाती है। अगर हम सेफलोदुकल की बात करें तो हेड टू टॉय, और अगर हम प्रोक्सीमोडिस्टल की बात करें तो ऐसी प्रोसेस जो सेंटर से और मिड लाइन से पेरिफ्री डायरेक्शन में जाएगी। नियर टू फोर भी हो सकती है, आउटवर्ड जो हो सकती है सेंट्रल एक्सिस से ऑफ द बॉडी। ग्रोस मोटर डेवलपमेंट जो अगर हम बात करें तो एक फाइन मोटर स्किल्स होते हैं, ग्रोस मोटर स्किल्स होते हैं, ग्रोस मोटर डेवलपमेंट भी उसको ग्रोस मोटर स्किल्स को बोल सकते हो, आप फाइन मोटर डेवलपमेंट को भी फाइन मोटर स्किल्स बोल सकते हो। मोटर डेवलपमेंट की जो प्रोग्रेस होती है वो एक ऑर्डरली सिक्वेंस फॉलो कर रही है, यानी कि जब आपकी होल बॉडी पार्ट करती है वर्क टुगेदर, जैसे कि एक इन्फेंट होता है जब वो कहीं जाता है तो वो अपना आर्म, उसका मतलब जो उसकी छोटी छोटी मसल्स होती हैं वो जॉइंटली काम करते हैं, खट्टी, वो पूरा रैंग रैंग कर कहीं पे जाता है। फिंगर्स उसकी नहीं वर्क करती क्योंकि उसकी जो स्मॉल्स मसल्स हैं जॉइंट्स वर्क नहीं करते जितना उसके इकट्ठे, यानी कि सारी बॉडी एक साथ काम करती है।
नेक्स्ट हम बात करें अगर फाइन मोटर स्किल्स की, तो फाइन मोटर डेवलपमेंट जो है वो न्यूट्रल ट्रैक मैच्योरेशन पे काम करती है, यानी कि जब आपका कोऑर्डिनेशन बनना लग जाता है बिटवीन द सेंसरी मोटर एडजस्टमेंट्स, या फिर कह सकते हैं आपकी जो छोटे छोटे इन स्किल्स, छोटे छोटे जो आपके ये हैं मसल्स वगैरह, आपकी उंगलियाँ फिंगर्स काम करने लग जाती है, यानी कि अगर आप टाइपिंग कर रहे हो तो वो आपकी फाइन मोटर स्किल्स में आता है। अगर कोई भी ऐसा काम जो आप अपने पूरे मतलब ग्रैस्पिंग कर रहे हो, बॉल को कैच कर रहे हो, या फिर थंब इम्प्रेशन दे रहे हो, फिगर इम्प्रेशन दे रहे हो, कोऑर्डिनेशन, माउथ का कोऑर्डिनेशन हैंड के साथ कैसे बन रहा है, आई का कोऑर्डिनेशन हैंड के साथ कैसे बन रहा है, ये सब आपकी फाइन मोटर स्किल्स में जाते हैं। क्वेश्चंस आ जाते हैं सिटिंग एग्जाम में कि अगर कोई बच्चा है जो खाना खा रहा है तो वो कौन से स्किल्स में आएगा, वो खाना खा रहा है वो कोऑर्डिनेशन बना के खा रहा है, दैट इज़ फाइन मोटर स्किल्स, बिकॉज उसकी फिंगर्स भी वर्क कर रही है, ही नोज। थैंक यू गाइज, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो चैप्टर है ये काफ़ी बड़ा है, इसको अच्छे से समझेंगे। आज हमने सिर्फ और सिर्फ छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पार्ट्स पढ़े हैं कि ग्रोथ क्या थी, डेवलपमेंट क्या थी, प्रॉक्सिमोजिस्टल और सेफलोदुकल और ग्रोस मोटर स्किल्स एंड फाइन मोटर स्किल्स क्या थी।